हाँ ये करी कट लार्ज, तीन ऐड कर लो करी कट लार्ज, एंड वन टू थ्री। स्टार्टिंग में तो आपने देख ही लिया होगा, चिकन ऑर्डर कर रहे थे हम लोग। सो चिकन क्यों ऑर्डर कर रहे थे? चिकन ऑर्डर कर रहे थे इसलिए क्योंकि आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी और चिकन कोरमा। आने वाले हैं फैमिली फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो उनकी डिमांड थी कि भैया मेरे हाथ की बिरयानी खाना है, तो इसलिए चिकन ऑर्डर किया सुबह। तो वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। ये चीज़ मैं बोलना भूल गया था, पता नहीं फ्लो में कई बार निकलता है, ये थी नहीं, इसने मुझे याद नहीं दिलाया हमेशा की तरह पीछे से प्रॉम्प्ट करने का। हमेशा याद दिलाती हूँ कि आपको बोलना है। हाँ, इतने इतने प्यार से तो कभी आप मेरे साथ नहीं बात करती हैं अर्चना जी। अच्छा, कैमरे के सामने हमेशा तो गाली देती हूँ ना मैं आपको। और मैं तो क्या, हमेशा गाली देते रहती हूँ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। ये चीज़ बोलना मैं भूल गया था इसलिए मैंने व्लॉग रोका, और देखो आगे का व्लॉग। और कुछ सामान अभी लेने में बाहर जाऊंगा, तो अभी निकलता हूँ, कुछ सामान लेना है, वो सब सामान लेकर के आ जाता हूँ। चिकन मसाला, घी ले लेता हूँ। My name is Ranveer Singh. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Jitna hai utna le lo, favorite hai. का ऑप्शन भी कितना अच्छा है, सामान खरीदो घर पे सामान भेज देते हैं। अब इतना सारा जो सामान लिया वो सारा सामान थोड़े टाइम में होम डिलीवर हो जाएगा, और घर के सामने शॉपिंग मार्ट का होना भी काफ़ी फायदेमंद होता है इस मामले में। बिरयानी के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है उन सबको पहले हम मेरा हो गया है पुदीना ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हो गया, उसके बाद मैं तुमको हेल्प कर दूँगा। प्याज कितने डालना? बिरयानी के लिए तीन, और जो कोरमा बनाएंगे उसके लिए चार, और प्याज खड़ा डालेंगे जैसे बिरयानी में डालते हैं वैसे। कुछ रख दिया। आपने देखा हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें काट के और छील के तो रखी दी हैं, अभी मैं फटाफट प्याज काट लेता हूँ। कोरमा के लिए मेरे को चार प्याज लगेंगे, मेरे को थोड़ा ज़्यादा उसमें ग्रेवी रखना है इसलिए, और बिरयानी के लिए तीन प्याज, तो फटाफट काट लेता हूँ मैं उसको। तो मैंने ये जो प्याज है, चार प्याज काटे हैं, ये है कोरमा के लिए, ये तीन प्याज है, ये है बिरयानी के लिए। सो अब मेरे को चाहिए टमाटर, तो मैं टमाटर ले लूँगा। हरी मिर्च इतनी सारी इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग, हरी मिर्च जो है हम लोग एक दो तीन चार पाँच, करीब पाँच हरी मिर्च जाएगी बिरयानी में, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और कोरमा में मैं खासकर जो लाल सूखी मिर्ची रहती है उसका पेस्ट बना करके डालूंगा, क्योंकि मुझे ग्रेवी जो है वो रेड कलर की चाहिए, उतनी तीखी नहीं होती कंपेयर टू जो हमारा पाउडर चीज़ों। तो अब मैं टमाटर काट लेता हूँ। टमाटर करीब एक, कोरमा के लिए मुझे तीन टमाटर और तीन छोटे टमाटर,
बिरयानी के लिए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. फटाक से जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लेता हूँ। गार्लिक मैंने हम लोगों ने जितना छीला था करीब ये आसपास दो गार्लिक है, जिंजर ले लेते हैं। पता नहीं अभी लाइव जाएंगे कि नहीं वो लोग। हाँ देख लेना अगर आया तो ठीक। आसपास इतना गार्लिक, ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट हो रहा है ये कोरमा और बिरयानी दोनों के लिए रेडी हो रहा है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट बिरयानी की तैयारी कर लेता हूँ मैं फटाफट। एक चम्मच, दो चम्मच, ढाई चम्मच, आसपास ढाई चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट बिरयानी के लिए। लाल मिर्च मैं भिगोने रख रहा हूँ ये कोरमा की भी प्रिपरेशन के लिए। आसपास 15 लाल मिर्च ले लिए मैंने, गीला कर लिया है, थोड़े टाइम के लिए गीला करके रखेंगे और फिर बाद में हम इसका पेस्ट बनाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। इसका वेट कर रहे थे, जिसका मुझे था इंतज़ार वो लिशियस का पैकेज आ गया। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग बिरयानी का प्रिपरेशन करेंगे, तो बिरयानी के लिए जो मैरिनेट मैं रेडी कर रहा हूँ ये सब जो सुबह हमने काट के रखा था वो सब रेडी है। ये सबको डालो इसमें, तो इसमें है 3 प्याज, 3 टमाटर और करीब 5 से 6 हरी मिर्च। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें 2.5 चम्मच डाला था। यहाँ पे मैंने कोरिएंडर काट के रखा है, ये गया कोरिएंडर। इसमें खड़ा मसाला है जैसे कि काली मिर्च, मेस, स्टार एनीस, क्लोव्स, काली इलायची, हरी इलायची, दालचीनी, ये सारा का सारा गया इसमें। पुदीना हमने सुबह अलग करके रखा था, पुदीना को मैं रॉ ही डालूंगा यूँ। ये जो बिरयानी मसाला मैंने सुबह लिया था ये बिरयानी मसाला भी हम लोग डालेंगे इसमें। वाह क्या सुंदर हवा आ रही है बाहर से। मैंने कम से कम 4 से 5 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला इसमें डाल दिया है। अब जाता है इसमें घी। आसपास 4 बड़े चम्मच इसमें घी मैंने डाला है। 1 बड़ा चम्मच, 2 बड़े चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा, लाल मिर्च 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, दही मैरिनेट में दही जाएगा। तो ये 500 ml दही है, ऑलमोस्ट आधा यानी 250 ml के आसपास इसमें हम दही डालने वाले हैं। ये आधा लाइम, अपने इन हाथों से इसको मैरिनेट करेंगे। थोड़ा सा और दही मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। थोड़ा सा मैं तेल ऐड करूंगा इसमें। सो मैरिनेट अब रेडी है, इसको मैं फ्रिज में रखने वाला हूँ। थोड़ा थोड़ा करके खाने का ना, थोड़ा तुम खाने का, थोड़ा मैं खाने का। लाल मिर्च भिगा के रखी थी, वो लाल मिर्च को हम पेस्ट बना लेंगे।
और महीन होगा, थोड़ा सा पानी और उसमें ऐड करना है। अभी भी और महीन कर सकते हैं, तो मेरे पास एक आइडिया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा खड़ा प्याज है, ये खड़ा प्याज इसमें गया, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। See this? जादू। तेज पत्ते गए इसमें, एक चम्मच, दो चम्मच, ढाई चम्मच। डालेंगे प्याज, प्याज और टमाटर को दोनों को एक साथ हमें अच्छी तरीके से भूनना है। अबे भूतनी के, साथ ही साथ जो चिकन मसाला लाया था बादाम जो हमने गीले किए थे उनको हम पहले छील लेते हैं। जब तक हम छीलने के बाद अब ये हम इसको घुमा लेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। अभी हम इसमें छोड़ेंगे पानी। थोड़ा मीडियम आंच में। सो करीब आधे घंटे से हमारा चिकन कोरमा पक रहा है। बीच बीच में हमने उसको चेक भी किया और उसको थोड़ा हिलाते भी रहे हम लोग। अब बारी आती है सबसे एंड में, जो पेस्ट हमने बनाया था काजू और बादाम का पेस्ट, ये काजू बादाम का पेस्ट जाएगा इसमें। सो चिकन कोरमा रेडी है। अगली रेसिपी होगी चिकन बिरयानी की। कोरमा वाले रेडी करना था, वो रेडी हो चुका है। मैंने इसमें दो चम्मच घी भी डाला है थोड़ा एक्स्ट्रा टेस्ट ऐड करने के लिए। A few moments later. So, चिकन का मैरिनेट पिछले दो घंटे से या ढाई घंटे से, अच्छा तुम चावल का ये कर रही हो ना। सो अभी हम लोग बिरयानी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोरमा तो तभी आप लोगों ने देख ही लिया, अर्चना ने बहुत अच्छा कोरमा का रेसिपी अच्छा, अच्छा मैंने फिर से मैंने बनाया। हाँ तो रेसिपी तुम्हारी ही तो थी, इतनी अच्छी रेसिपी तो मैंने बनाया। वाह बकवास, तुमने खा के देखा, बहुत अच्छी बनी है कोरमा, एकदम A1 बनाया कोरमा, एक्चुअली बहुत जबरदस्त बना है। अपने मुंह मिट्ठू, मिट्ठू नहीं बनाया भैया, चिकन बनाया। अपने मुंह मिट्ठू मियां बोलते हैं ना कुछ। हाँ वो पता है मेरे को कहावत, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। लेकिन कोरमा, चिकन कोरमा की रेसिपी अर्चना की थी जो कि बहुत अमेजिंग बनी है। बिरयानी में अर्चना मेरी हेल्प करेगी, वो चावल वगैरह स्टीम विम करके रख लेगी। बिरयानी चढ़ी है अभी गैस पे। इसमें थोड़ा ऑयल डाल दूँ ना बिरयानी में? ऑयल या घी कुछ भी डालना। सरसों तेल डालूँ? सरसों तेल का मजा एक बंगाली से ज्यादा बिहारी। अगर पापा पापा और मम्मी ये देख रहे होंगे ना वीडियो, पापा और मम्मी ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तो लोग जरूर बोलेंगे ये बिहारी नहीं है। बिहारी और बंगालियों का फेवरेट सरसों तेल। वाह रे वाह, हमेशा जो हुआ उसमें बिहारी
जो गलत करो भी है नहीं गलत करो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बिहारियों को सरसों तेल बहुत पसंद है और बंगालियों का बिरयानी में कौन सरसों तेल क्यों बिरयानी में भी डाल सकते हैं सरसों तेल, ऐसा कहाँ लिखा है कि सरसों तेल बिरयानी में डाल सकते, बट घी का वो चला जाएगा ना पूरा, वो बात अलग है, हमने घी डाला है मोटू, इसको कच्चा ही डालते हैं ना, मतलब जस्ट छोड़ दो ना इसको, छोड़ दो छोड़ दो। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं इस वक्त चावल, ये बासमती राइस 2.5 ग्लास, 5 लाइट चली गई, वाह इलेक्शन का टाइम है और लाइट जा रही है, गलत है ये, इसको हाफ फुल बॉईल करोगी कि कैसे? नहीं नहीं मतलब 3/4 70% 3/4 70% सैंडी को बताना वो मेरी पूरी गेम लेगा 3/4 सो अभी हम लोग दम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने थोड़ा घी लिया है, ये बड़ा 10 का कुकर है, इसको मैं थोड़ा सा ल्यूब्रिकेट कर रहा हूं, अभी इसमें आप छोड़िए घी, आसपास 2 बड़े चम्मच घी छोड़ा है इसमें, तो अभी मैं इसको एक दम लगाने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे तवा बैठा दिया हूँ, धनिया पत्ती और मिंट लीव्स, सो हम इसको दम पे रखेंगे कम से कम 10 मिनट, ये रहा हमारा बिरयानी का प्रिपरेशन, ये है तवा, डायरेक्ट हीट में नहीं रखा है, तवे पे रखे हमने इसको, तो ये गया दम पे मीडियम आंच पे 20 मिनट के लिए, अभी हो रहे हैं 5:27, सो मैं ये दम निकालूंगा 5:40 पे। A few moments later. तो बिरयानी को लग गया है दम, तो अब हम देखते हैं बिरयानी कैसी गई है बन, टेक्निकल गुरुजी स्टाइल, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है और अब हम देखते हैं कि ये कैसी बनी है, तो ये सारा का सारा माल हम करेंगे मिक्स, खुशबू बहुत अच्छी है बिरयानी की, तो बिरयानी है रेडी, इसको लगा के ही रख देता हूँ, गरम भी रहेगा। 2 hours later अपना हमेशा चालू रहता। अमित कहाँ है? कविश रिटर्न्स। हेलो। कविश रिटर्न्स। सेकंड पार्ट है बाबा। ये लाइट इतना कम क्यों आ रहा है? अमित नहीं आया अभी तक? लिफ्ट में फंस तो नहीं गए वो? अमित अभी तक नहीं आया? इसका वीडियो देखा? हाँ अभी जस्ट देख के आया, इसका भी चेंज हो रहा था ना किस तरह? हाँ उसका भी चेंज होता है, हो नहीं नहीं दबाने से चेंज नहीं होता, बट वो अच्छा कंटिन्यूअसली होते रहता है। हाँ सही लग रही है, ये बटन दबाने से इसका लाइट चेंज होता है, चार है till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I... And
moments later. तो सबको बड़ा ही अच्छा लगा यार कोरमा. सभी ने तारीफ की तुम्हारे कोरमा की. सभी बोल रहे थे क्या सही बना है. कविश ने तो गले मिल करके बोला कि किसको आपको. हाँ कविश ने मेरे को गले मिलके बोला कि कोरमा जीजू बहुत अच्छा बना था. बिरयानी तो एज़ुअल बनी थी अच्छी. अच्छा. तो सभी तुम्हारे कोरमे की तारीफ कर रहे थे. पर कोरमा तो मैंने बनाया ही नहीं था ना. अरे कोरमा मैंने बनाया था. हाँ कैसे. रेसिपी तुम्हारी थी. ऐसी रेसिपी में बना ही नहीं सकती. इतनी बढ़िया रेसिपी नहीं. और इतना अच्छा कोरमा. वाह कल मैं ऑफिस लेके जाऊंगा. कोरमा सुमित ने बनाई थी. वो भी वो कोरमा नहीं था. वो कुछ और ही था. बट सबने खा लिया. बट अच्छा बना था. वो बिरयानी के साथ अमेजिंग और टेस्टी लग रहा था. तो दोस्तों एंड करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे. और अगर आपको हमारी ऐसी ही नोकझोंक और ऐसी ही मस्ती मजाक देखनी है, यानी सुमित और अर्चना की नॉटी चाचू और नॉटी चाची की ऐसी ही मस्ती मजाक देख. तुम चाची हो ना. नहीं मैं चाचा तू चाची. नहीं मेरे को चाची मत बोल. अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें इस वीडियो को. लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाना. अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले. वो लाल वाला बटन दबा ले. वाह एक सांस में बोल दिया. तो जो मैडम ने बोला वो आप कर दो. सो सलाम नमस्ते. फिर मिलेंगे हंसते हंसते. कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड द लव. चिकन कोरमा बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की इस औरत ने. ये जो है ये जो कैमरे पे नहीं आने की ये देखो ये जो नीचे झुक के हैं. इस औरत का बहुत बड़ा हाथ है चिकन कोरमा बनाने में. चिकन कोरमा का पूरा रेसिपी का पूरा आइडिया अर्चना का ही था. पूरा आइडिया अर्चना. झूठ. अंदर चिकन कोरमा बनाया है घंटा.